दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर हिडन ऐप्स को देखना चाहते हैं, यानी कि कुछ एप्लीकेशन आपने छुपा के रखा हुआ है, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई गेम हो गया, या आप किसी और के मोबाइल में देखना चाहते हैं कि उसने कौन कौन से एप्लीकेशन को छुपा के रखा हुआ है। तो ये सेटिंग आपके बहुत ही काम की है और इस सेटिंग का यूज करके अपने हिडन ऐप्स निकाल सकते हैं, या आप किसी और के देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बस वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपको दो सेटिंग बताएंगे जिनका यूज करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसके फोन में कौन कौन सा एप्लीकेशन हाइड है। सबसे पहला तरीका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर WhatsApp हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देख सकते हैं WhatsApp कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने WhatsApp को छुपा के रखा हुआ है तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसके पास WhatsApp है और इसने छुपा के रखा हुआ है। तो पहला तरीका ये है कि आपको जिस फोन में चेक करना है उस फोन में आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद अब आप जिस एप्लीकेशन को चेक करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं WhatsApp को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, WhatsApp को सर्च करेंगे। तो हमारे पास WhatsApp आ चुका है, इस पर आप क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ओपन करने का बटन है और अपडेट करने का बटन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो WhatsApp एप्लीकेशन है ये इस फोन के अंदर डाउनलोड है लेकिन इसने छुपा के रखा हुआ है, यानी कि डाउनलोड है एप्लीकेशन लेकिन वह होम स्क्रीन पर यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है इसने छुपा के रखा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम आपको दिखाएं, हमारे फोन में यहाँ पर VGMI भी है और लेकिन हमें VGMI दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर से आप जाएंगे प्ले स्टोर में, यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना होगा। क्या सर्च करना होगा वो आपको बता देते हैं। यहां पर आप बैक आ जाइए और यहां पर आपको सर्च करना होगा VGMI, यानी कि जो भी एप्लीकेशन हो उसका आपको नेम सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वह एप्लीकेशन उसके फोन में डाउनलोड है या नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको प्ले का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह एप्लीकेशन इसके फोन में डाउनलोड है लेकिन इसे छुपा के रखा है, इसने छुपा के रखा हुआ है। तो पहला तरीका है बहुत ही कमाल का, इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि उसके फोन में एप्लीकेशन तो है लेकिन उसने छुपा के रखा हुआ है। आप बात करेंगे कि एप्लीकेशन दिखाई कैसे देगा हिडन ऐप्स का, तो आपको यहां पर जाना होगा उसके मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहां पर इस तरीके से सेटिंग ओपन होगा, यहां पर आपको सर्च बार पर लिखना होगा ऐप लॉक या आपको लिखना होगा हिडन सेटिंग। तो यहां पर आप लिखेंगे ऐप लॉक, सबसे पहले लिखेंगे ऐप और उसके बाद लॉक। तो ऐप लॉक लिखेंगे तो आपके पास एक ऐप लॉक का सेटिंग आ जाएगा, ये वाला। तो आप इस पर क्लिक करके देखें, यहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने आपके फ़ोन में हिडन ऐप्स के नाम से है या सामने वाले के फ़ोन में हिडन ऐप्स के नाम से है तो आपको यहाँ पर हिडन ऐप्स सर्च करना होगा, हिडन ऐप्स, और आपके सामने ये वाला सेटिंग निकल के आ जाएगा हिडन ऐप्स का। अब आप इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि उसने किस किस एप्लीकेशन को छुपा के रखा हुआ है। तो है ना कमाल का सेटिंग जो आपको यहाँ पर मिल चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप सारे हिडन ऐप्स देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इसे इस तरीके से बंद कर देंगे तो सारे ऐप आपको दिखाई देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फ़ोनपे को बंद नहीं किया है तो ये हमें फोन पे दिखाई नहीं देगा। तो पहला तरीका ये हो गया। उसके बाद बैक आइए, अगर आपका फ्रेंड्स या आपके पास रेडमी का मोबाइल फोन है तो अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको एक स्वैप अप करना होगा। जैसे मैं आपको दिखा दें, हमारे पास ये कैमरा मैंने ओपन किया, यहाँ पर देखेंगे मैंने ये हमारे एक कॉपी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस तरीके से उंगली रखना होगा अपने होम स्क्रीन पर कहीं पर भी, और इस तरीके से आपको स्वैप करना होगा। जैसे मैं आपको दिखा दें, हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर इस तरीके से स्वैप करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक हिडन ऐप्स सेटिंग ओपन हो चुका है। हो सकता है कि आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा लेकिन यहाँ पर सारे ऐप्स ओपन हो चुके हैं। मैंने फोन पे को छुपा के रखा है तो फोन पे को हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अपना लॉग डालेंगे और हमारा फोन पे एप्लीकेशन चालू हो चुका है, जैसा कि अभी आपको दिखाई देगा फोन पे हमारा ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप हिडन ऐप्स देख सकते हैं। तो मैंने आपको तीन तरीके बता दिए, लेकिन अब आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर हिडन ऐप्स दिखाई नहीं देता है, उसने एक ऐसा एप्लीकेशन छुपाया हुआ है, उस एप्लीकेशन के अंदर सारे एप्लीकेशन डाल दिए तो आपको कैसे मिलेगा, मोबाइल में सेटिंग भी नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आप उससे कह सकते हैं कि यार आप देख लीजिए कि आपने प्ले स्टोर में, हम आपको दिखाते हैं कि आपने VGMI गेम को डाउनलोड किया है लेकिन अगर आपका होम स्क्रीन पर नहीं मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आपने छुपा के रखा हुआ है। तो अगर आपका वो प्ले, आपका दोस्त या फ्रेंड्स है वो नहीं मानता है कि मैंने इसे डाउनलोड नहीं किया है, तो आप उस पर एप्लीकेशन पर क्लिक करिए और यहां से आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। फिर आपका फ्रेंड्स परेशान हो जाएगा और कहेगा कि हाँ मैंने इसे छुपा के रखा हुआ है। तो मैंने आपको यहाँ पर चार तरीके बताए हैं जिन्हें आप फॉलो करके हिडन ऐप्स बिल्कुल जड़ से निकाल सकते हैं और उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कोई नहीं मानता है तो वो भी अब मानने पर
मजबूर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आज आपको पता चल गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।